हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में विश्व रेबीज दिवस, आपदा मित्र योजना और भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसके साथ साथ आपके नॉलेज को बूस्ट करने में भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें सबसे पहले हम विश्व रेबीज दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व रेबीज दिवस की बात करें तो रेबीज और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। लुई पाश्चर की बात करें तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। इसके अलावा विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम की बात करें तो रेबीज फैक्ट्स नॉट फेयर इसकी थीम है। रेबीज की बात करें तो ये एक विषाणु जनित रोग होता है और इसके कॉजेस की बात करें तो इसके यह वायरस कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके लार में मौजूद होता है। आंकड़ों के अनुसार मनुष्य के लगभग 99% जो मामले होते हैं रेबीज के, वो कुत्ते के काटने की वजह से होते हैं। इसके अलावा इसके लक्षण की बात करें तो पागल जानवर के काटने और रेबीज के लक्षण दिखाई देने की समयावधि 4 दिनों से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। इसलिए घाव से वायरस को जल्द से जल्द हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम आपदा मित्र योजना के बारे में बात करेंगे। देश के 30 जिलों में आपदा मित्र योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। इसके साथ कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल हेतु भी दस्तावेज जारी किए गए हैं। CAP सभी प्रकार के नेटवर्क पर आधारित आपातकालीन अलर्ट और सार्वजनिक चेतावनियों के आदान प्रदान हेतु एक सरल लेकिन सामान्य प्रारूप है। इसके अलावा यह एक केंद्रीय योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके अलावा आपदा मित्र योजना यह आपदा प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्ति की पहचान करने की एक योजना है, जिसमें आपदा के समय प्रथम आपदा मित्र अर्थात बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके लक्ष्य की बात करें तो योजना के तहत समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा के बाद अपने समुदाय के तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कौशल प्रदान करना, जिससे कि वे अचानक बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट हम आपदा मित्र योजना की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया समन्वय जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित करना और व्यक्ति सुरक्षा उपकरण और आपदाकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान करना इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा जिला ब्लॉक स्तर पर एक सामुदायिक आपातकालीन भंडार रिजर्व बनाना, जिसमें कि आवश्यक सामान जैसे टॉर्च, बचाव उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि शामिल हो। इसके साथ साथ योजना के बाद के चरणों में बाढ़ग्रस्त जिलों में परियोजना के तहत विकसित प्रशिक्षण और शिक्षा उपकरणों का प्रसार करना इसकी विशेषता है। इसके साथ साथ आपदा से संबंधित पहलों की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन इत्यादि। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इससे संबंधित पहले हैं। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन की बात करें तो इसका औपचारिक गठन 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं हेतु समन्वय कायम करना है। इसके साथ साथ आपदा प्रत्यास्त व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करें तो यह एक समग्र अग्र सक्रिय तकनीक संचालित और सहनीय विकास रणनीति द्वारा एक
सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने की परिकल्पना करता है जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो आपदा रोकथाम तैयारी और समन की संस्कृति का पालन करती हो। नेक्स्ट हम भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने हिमालयी क्षेत्र के लिए भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने हेतु एक पर्यावरण भूकंप विज्ञान समूह की शुरुआत की है। इसे NGRI के वैज्ञानिकों ने GFZ पोट्सडैम में जर्मन वैज्ञानिकों के सहयोग से इस प्रणाली को लॉन्च किया है। यह प्रणाली उपग्रह डेटा, संख्यात्मक मॉडलिंग, भू आकृति विश्लेषण के सहित घने भूकंपीय नेटवर्क के साथ वास्तविक समय की निगरानी पर आधारित होगी। इसके अलावा ब्रॉडबैंड भूकंपीय नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह ध्रुवीकरण और बैक ट्रेसिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके आपदा अनुक्रम की संपूर्ण स्थानिक ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इसके अलावा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करेगी और इससे होने वाली मौतों को भी कम करेगी। इसके साथ साथ ऐसी जानकारी प्रदान करके व्यक्तियों और समुदायों को जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट हम भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के बारे में बात करेंगे। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा भूस्खलन की बात करें तो यह एक प्रकार का बृहद पैमाने पर अपचय है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरते हैं। भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन के 5 तरीके शामिल हैं जिसमें फॉल हो गया, टॉपल हो गया, स्लाइड हो गया, स्प्रेड हो गया और फ्लो ये आते हैं। इसके अलावा ढलान संचलन तब होता है जब नीचे की ओर कार्य करने वाला बल ढलान निर्मित करने वाले पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली होता है। भूस्खलन 3 प्रकार के कारकों के कारण हो सकता है जिसमें भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मानव गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्र की बात करें तो उसमें संपूर्ण हिमालय पथ, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ी पहाड़, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु कोंकण क्षेत्र में नीलगिरी भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसके लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने देश के 42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूस्खलन प्रवण क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण को मैक्रो स्केल पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी वजह से भूस्खलन से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बाढ़ यानी कि फ्लड के बारे में बात करेंगे। फ्लड की बात करें तो यह एक प्राकृतिक आपदा है जो बार बार देखने को मिलती है। बाढ़ तब आती है जब पानी का एक अति प्रवाह भूमि को जलमग्न कर देता है और भूमि आमतौर पर सूखी रहती है। इसके अलावा यह प्रायः भारी वर्षा, तेजी से हिमपात, तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और सुनामी से तूफानों के कारण होता है। इसके अलावा बाढ़ के टाइप्स की बात करें तो इसमें फ्लैश फ्लड हो गया, रिवर फ्लड हो गया और कोस्टल फ्लड, इसके 3 टाइप है। इसमें सबसे पहले फ्लैश फ्लड के बारे में बात करेंगे। फ्लैश फ्लड की स्थिति की बात करें तो इसमें तेजी से और अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न होती है जिसमें कि जल की जो ऊंचाई होती है उसमें तेजी से वृद्धि होती है और बाढ़ का पानी नदी नालों चैनलों के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर बहने लगता है। फ्लैश फ्लड में उच्च जल स्तर के साथ छोटी अवधि के अत्यधिक स्थानीकृत घटनाएं हैं और आमतौर पर वर्षा तथा चरम बाढ़ की घटनाओं के बीच का समय 6 घंटे से कम होता है। नेक्स्ट हम रिवर फ्लड के बारे में बात करेंगे। नदी की बाढ़ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बारिश हो और बर्फ पिघलती है जिससे कि नदी की जो क्षमता होती है बहने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा कोस्टल फ्लड की बात करें तो कोस्टल फ्लड की स्थिति में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सुनामी से जुड़े तूफानों के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी गुजरात सहित गंगा के अधिकांश मैदान हैं। इसके साथ साथ केरल और तमिलनाडु में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो भारत में फ्लड प्लान जोनिंग शुरू की गई थी जो बाढ़ क्षेत्रों या मैदान के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए शुरू की गई थी।
यह ऐसे क्षेत्रों में अंधाधुंध विकास और मानव गतिविधियों को रोकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति परियोजना नियोजन सतही और भूजल विकास सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के प्रावधानों पर प्रकाश डालती है। इसके साथ साथ भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी का उत्तरदायित्व तो केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।